हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने क्या पढ़ लिया है अभी तक? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो क्या था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। अब क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब दो बार एक्सचेंज होगा। हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने क्या पढ़ लिया है अभी तक? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो क्या था? सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। अब क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब दो बार एक्सचेंज होगा। क्या होगा? पोजीशन दो बार एक्सचेंज करेगा। तो इसको पढ़ने के लिए हम देखते हैं सिंपल सा एग्जांपल, एकदम सिंपल। जैसे मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है, ए और बी है, और दूसरा क्या है मेरे पास? सी और डी है। सिंपल पहले समझ लेंगे। इसमें से मान लो ए वाला क्या है? कैटायन है, और बी वाला क्या है? एनायन। सिंपल। इस तरीके से सी क्या है आपका? कैटायन है, और डी वाला क्या है? एनायन। मतलब आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं आप लोग। क्या बोल सकते हैं इसमें? आयनिक कंपाउंड। एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। अब ये क्या करते हैं? आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे आपस में? एक्सचेंज मतलब इसका प्लस और इसका माइनस। बोलेंगे क्या बन जाएगा? ए डी, ए प्लस, इसका प्लस और इसका माइनस, तो क्या बनेगा? सी और बी। हो गया दो बार डिस्प्लेसमेंट। एक बार इसने इसको ले लिया और इसने इसका ले लिया, मतलब जगह पोजीशन चेंज कर लिया अपना। क्या चेंज कर लिया आप लोग? इन्होंने पोजीशन चेंज कर लिया, यानी दो बार क्या होगा? ये डिस्प्लेस होगा। क्लियर बात? अगर मैं इसको एग्जांपल देकर समझाऊं, देखना आप लोग ध्यान से। मान लो मेरे पास है सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोला मैं? सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। ये मिलके क्या बनेगा? देखो इसमें वही चीज होता है, यहाँ पे प्लस और ये पूरा नाइट्रेट आयन होता है माइनस, ये प्लस और ये माइनस। एक्सचेंज कर दो फटफट, मतलब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो क्या बोलेंगे हम लोग? AgCl, ठीक है। और प्लस ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, NaNO3। हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसने इसको पकड़ लिया, इसने इसको पकड़ लिया। क्लियर है? इसका प्लस उसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस। क्लियर है? एकदम क्लियर। और देखें एग्जांपल एक आध। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? अगर मैं नाम बता दूं आपको, तो नाम इसका होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम होता है इसका? सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम तो पता ही आप लोगों, क्या बोलते हैं इसको? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो। क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड। और ये होता है, ये एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और ये वाले का नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। एग्जांपल समझ गया? पहला एग्जांपल समझ में आ गया एकदम? क्लियर, क्लियर एकदम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखें। चलो तो एग्जांपल नंबर टू देखते हैं हम लोग। मान लो मेरे पास है DaSO4 प्लस NaCl, ले लो NaCl, क्लियर। उसके बाद हमारा क्या बनेगा? सेम यहां पे भी। अच्छा, यहां पे ध्यान देना, जो Ba होता है ये 2 प्लस होता है, उसके बाद दो चार्ज होता है, और SO4 के पास 2 माइनस होता है, ठीक है। लेकिन हमारे सोडियम के पास एक होता है और Cl के पास भी एक ही होता है। हम लोग क्लास 9th पढ़े होंगे zigzag method। यहाँ पे दो है तो इसके लिए भी दो चाहिए, यहाँ पे दो है तो इसके लिए भी दो चाहिए, सही कि नहीं? मतलब अगर आपको इसका प्लस इसका माइनस लेना है, कितने चाहिए? दो चाहिए। तो हम इसके सामने लगाएंगे दो बैलेंस करने के लिए, और इसको ऐसे लिखेंगे BaCl2। क्या लिखेंगे? BaCl2, और इसका रिएक्शन इसके साथ, ये क्या हो जाएगा? Na2SO4। क्या बोलेंगे? Na2SO4। इसका नाम होता है बेरियम क्लोराइड, और इसका नाम क्या होता है? सोडियम सल्फेट।
ठीक है, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ, एक प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस गया उसके माइनस साथ, इसका प्लस इसका माइनस, बस एक्सचेंज हो गया। इसके दो एग्जांपल हमने देख लिए, क्लियर है। ये क्या होता है, सिंपल सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। ओके,